चार साल में क्या करेंगे बताइए। देश के साथ धोखा हुआ है, मोदी जी देश के साथ धोखा किए हैं। कागज दिखाइए ना, कौन सा कागज? जमीन हमको कौन दिखाइए ना, पेपर देखो, पेपर देखो, कुछ भी के कागज दिखा दिएगा तो आप मान लीजिएगा। लेकिन लालू कुमार ने मारने की धमकी दिया है, पर लिखा लेकिन लालू कुमार मारने का धमकी दिया है। वो तो नामा फेल है, वो क्या दे पाएगा? बस कहता है कि हम बहन बेटी बाप सब हम ही रहे, बाकी सब कुछ है ये नहीं। बिहार में तो कहाँ से नौकरी कहाँ से देंगे? बोले देश भर में देंगे, बिहार में 200 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। पहले बिहार में लाए तब ने देश की बात करेंगे। पिछले बार देखा है उनको 17 महीने के लिए आए तो बहुत सारे युवा नौकरी दिए। कोई भी अच्छा पार्टी नहीं, सब जनता पूर्वक बना के वोट लेने का सिर्फ चक्कर है भैया। और कुछ एक 5 साल के सत्ता के बाद सरकार जिसमें चेंज होगी खुद ब खुद काम ऑटोमेटिक कराने लगेंगे। इलेक्शन आया ही चलते ही बोल रहे कि हमको वोट मिल जाएगा। रोजगार थोड़े दिया नीतीश कुमार दिया है, जब सत्ता में था तो उसका अपना घर थोड़े दिया था। हम सेना के जवान है, आप एक अग्निवीर बना दिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मेरा नाम है प्रभात। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। आज तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, 30 लाख पदों पे जो भर्तियां रुकी हुई है उस पर हम भर्ती करेंगे और 70 लाख नए पदों पे रोजगार का सृजन करेंगे। इसके अलावा 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब इस पे पटना के जनता का क्या मानना है, पटना के लोगों का क्या मानना है, आइए हम पटना की जनता से बात करेंगे। सर आप बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपको लगता है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे? नहीं, किसी भी सरकार के लिए। अब इलेक्शन आया ही चलते ही बोल रहे कि हमको वोट मिल जाएगा। इलेक्शन आया ही चलते बोले क्या? वो तो कह रहा है कि हमने 5 लाख रोजगार दिया है, अब बारी 1 करोड़ की है। रोजगार थोड़े दिया नीतीश कुमार दिया है, जब सत्ता में था तो उसका अपना घर थोड़े दिया था। वो इलेक्शन आया तब बोल रहा है कि हम देंगे, वोट लेने के लिए बोल रहा है। कह रहा है 200 यूनिट बिजली भी देंगे, आपको कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, वैसी है क्या है भैया? ऐसा वैसा ही हाँ, बेवकूफ बनाने वाला काम है, बनाने वाला काम कर रहा है तेजस्वी यादव। उसका पिता गरीब का 2 कट्ठा जमीन ले लिया, वापस कब करेगा बेचारा गरीब? उसका जमीन ले ले, नौकरी देने का बहाना, रेलवे का नौकरी देने का बहाना जमीन ले ले 2 कट्ठा, वो गरीब का वापस जमीन कब करेगा? वो भी पूछिए उससे, खाली रोजगार थोड़े दे, जनता को बेवकूफ बना रहा है। समझ आ रहा है, इसलिए सब कुछ फ्री है तुम्हारे लिए, जैसे ही वोट हो जाएगा सब कुछ बंद। तो कह रहे हैं ना कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। क्या दिया, कहाँ दिया यार? में दिया तो कहाँ दिया? वो थोड़ा दिया है नीतीश कुमार दिया है, वो थोड़ा दिया है, यूथ है भैया। आप बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव के बाद 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, 30 लाख पदों पर डायरेक्ट अभी जो भर्ती रुकी है उसको भर्ती देंगे और 70 लाख नया पद देंगे। आपको लगता है वो वादा पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? एक बात बोलूं, पार्टी कोई भी जीते हालत खराब होती है, जो आम बंदा जो मिडिल क्लास बंदा है ना वो जाता है नीचे, ठीक है? अमीर बंदे को क्या, अमीर बंदे को उसकी जरूरत के हिसाब, अमीर बंदे को क्या उसके हिसाब से उसको मिल जाता है, उसको कुछ जरूरत नहीं है। और जो गरीब रेखा के नीचे वाली उसके लिए सरकार कर रही है। यहाँ पे हमारे से मिडिल आदमी से है भैया, ये भाई रोज कमाने खाने वाले आप हैं, आप लोग की हालत खराब, हमारी हालत खराब होती है और किसी की नहीं होती। भैया आप बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 200 यूनिट बिहार में फ्री में बिजली देंगे, क्या लगता है आपको वो अपना वादा पूरा करेंगे? सबसे पहले तो आपका नमस्कार और प्रणाम। तेजस्वी यादव जरूर पूरा करेंगे, जल्द ही में 5 लाख नौकरी देने का, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था लेकिन 5 लाख नौकरी दिए, इसी तरह से उनका सरकार रहेगा। थोड़ा नौकरी दिया है नीतीश कुमार ने, दिया है वो कहाँ से दिया है ये बताओ? नीतीश कुमार दिए लेकिन उन्हीं उप मुख्यमंत्री रहे तो तेजस्वी यादव भी तो दिए। सुनिए बात, सुनिए कोई सुनिए सुनिए ये कोई हल्ला कहाँ से आएगा? नीतीश की बात है, आप देखिए इससे पहले 15 साल तक नीतीश कुमार थे कि नहीं भैया? थे तो इससे उनसे गठबंधन आने से पहले क्यों नहीं कर रहे थे? नीतीश कुमार कह रहे हैं 8 लाख लोगों को रोजगार दिया है 2005 से लेकर। नीतीश कुमार भाजपा में थे तो क्यों नहीं दिए थे? कह तो रहे कि 8 लाख लोगों को दिए क्यों नहीं थे? दिए है ना नीतीश कुमार जुड़वा रहा था। अरे भाई सुनिए एक बार, हम पूछ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या भाजपा के गठबंधन में थे तो उन्हीं के नेता बोल रहे थे कि हम कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ से रोजगार देंगे?
तो ये सुनने वाली बात। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपको भरोसा है कि देंगे? देंगे, वो देंगे, नया युद्ध है, युद्ध है, करेंगे। ये हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको धर्म की राजनीति नहीं करना है। बोल रहे थे तेजस्वी यादव की अग्निवीर को भी हम लोग खारिज कर, भैया हम सेना के जवान है, आप एक अग्निवीर बना दिए, आप 4 साल में क्या करेंगे बताइए? 4 साल में अग्निवीर क्या कर सकते हैं? देश के साथ धोखा हुआ है, मोदी जी देश के साथ धोखा किए हैं। और 200 यूनिट बिहार में बिजली फ्री मिलेगी, आपको लग रहा है तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करेंगे? देखिए बिहार की जनता समझ चुका है तेजस्वी यादव नवयुवक है, और नवयुवक के लिए जो करते हैं वो करते कहते हैं जो करते हैं। और पूर्ण रूप से हम लोग को विश्वास है कि तेजस्वी यादव जब कहें तब बहुत जरूरी है कि करेंगे। और आशा नहीं है, हम लोग इस बार भरपूर युवा समाज कह रहा है कि कुछ नहीं किया, गरीबों का नौकरी खा गया, जमीन हड़प लिया। अभी तो सरकार में तेजस्वी तो नहीं आए हैं, सरकार में तो नहीं आए तेजस्वी, आए थे तो काम किए हैं। बोले लालू जब थे रेल मंत्री तो 2 कारखाना दिए, ये अपना आर एन दिखाए कागज, कौन सा हड़पा हुआ है कागज है? भैया बोलिए, कह रहे हैं कि आपका कौन सा जमीन हड़प लिया है लालू यादव? जमीन लालू प्रसाद हड़प्पे किया है, कागज दिखाइए ना, कौन सा का हड़पा है जमीन हमको, कौन दिखाइए ना, प्रसाद यादव जमीन हड़पा है गरीब का लालू से। सुनिए ना, ये सुनिए ना, सुनिए, गरीब को जमीन उसको वापस करना। देखिए जमीन हड़पा है लालू प्रसाद, अब कब जमीन वापस करेगा इसका? देखो पेपर, देखो पेपर, देखो जमीन लालू जी आए, ये अभी क्या बोले कि जमीन हड़पा, ये गरीब पर जमीन हड़पा है, ये गरीब पर जमीन कब देगा वापस लालू प्रसाद यादव? एसपी ऑर्डर है, कोई सुनवाई हो रहा है? देखिए अपना पूरा बात बता दिया, भाग रहा है, जमीन वापस कब करे गरीब का? कोई ध्यान दे रहा है इस पे? सुनिए साल भर, साल भर डेढ़ साल हो गया, 1.5 साल गरीब को जमीन वापस देना होगा लालू प्रसाद यादव को, 1.5 साल 2 साल हो गया। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, ताकि यहाँ पढ़िए ना, प्रसाद यादव को देखिए, देखिए ये देखिए पूरा, गरीब के लिए सच्चाई लड़ेंगे लालू प्रसाद यादव से, और ये गरीब को जमीन वापस देना होगा लालू प्रसाद। कैसा मामला क्या है बताइए? मामला है कि 2 साल से बाल बच्चा मेरा भविष्य चौपट कर दिया, देखिए साल भर से ऊपर हो गया है, केस किए हुए सीएम डीएम पीएम सी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सब मिलकर रसीद नहीं काट रहा है, हमको बर्बाद कर इस बाल बच्चा बेटी को सबको। आपको क्या लगता है भैया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आपको भरोसा है? हमको इधर पता नहीं है, ये गरीब का हमारा जमीन हड़पा या नहीं हड़पा उसे मेरे का मतलब नहीं है, ये हमारा घर सुनिए, पटना डग बंगला पे भी है, ये पटना मौर्या कॉम्प्लेक्स के पीछे, ये कहीं गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे, इनका लालू प्रसाद यादव के गरीब ने जमीन हर भारी भारी लिया है, फतुआ में तो जमीन है। आप तो भी, आप भी तो जानता है। हाँ तो देंगे, आपका भरोसा है? बिल्कुल, क्यों? इस पिछले बार 17 महीना में वो काम किए हैं तो अच्छा किए हैं। ये तो कह रहे हैं गरीबों का जमीन हड़प लिए हैं, कागज दिखा रहे हैं, कहाँ हड़प, कागज दिखा रहे हैं तो वो आप कह रहे हैं कागज पढ़ने के लिए, दिखाइए भैया क्या है? कुछ भी के कागज दिखा देगा, देखिए कैमरा में देखिए, कुछ भी के कागज दिखा देगा तो आप मान लीजिएगा, वो कह रहे हैं ना तो आप सुन लीजिएगा, दिखाइए। लेकिन लालू कुमार ने मारने की धमकी दिया है, पर लिखा लेकिन लालू कुमार मारने का धमकी दिया है, लालू कुमार के बोल रहे हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोला है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आपका भरोसा है? नहीं, वो तो नामा फेल है, क्या देगा वो? हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा, वो तो नामा फेल है, वो क्या दे पाएगा? नहीं देंगे, नहीं देगा, नहीं देगा, वो देगा ही नहीं। चलिए भैया आपका क्या मानना है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आपका भरोसा है? देंगे? नहीं नहीं, भरोसा नहीं है, वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो कहाँ से देंगे, नहीं देंगे, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, देंगे कहाँ से, उसके पास रहेगा तभी ना देंगे नौकरी। तो बोल रहे हैं कि हम नया पद बनाएंगे, नया पद बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे तो ठीक है बनाने। चाचा आपका क्या मानना है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे सत्ता में आने के बाद, घोषणा पत्र जारी किए हैं आज, कहीं ना तेजस्वी यादव आपको भरोसा है कि देंगे? केकरा, इनका भरोसा नहीं है, चलिए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये परिवार पार्टी का समझे, हाँ देख तो रहे हैं, बोलिए, ये महाचोर है, किसी दूसरे को एक बढ़ा दे रहा है, बस कहता है कि हाँ बहन बेटी बाप सब अमीर हैं,
बाकी आप बताइए भैया, आप बताइए चाचा कि तेजस्वी यादव बोला है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आपको भरोसा है कि देंगे? ऐसा संभव नहीं है, हाँ। है ना? क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, इतना नौकरी कहाँ से मिलेगी? सबको संभव नहीं है, है ना? तेजस्वी यादव को बोलने से थोड़ी होता है देश चलता है। बोल तो रहा है ना कि हमने 5 लाख दिया, अब 1 करोड़ भी देंगे। कहाँ से देंगे? यहाँ पर तो कोई साधन ही नहीं है मार्केट में, जैसे यहाँ न इंडस्ट्रियल है कुछ है ये नहीं बिहार में, तो कहाँ से नौकरी कहाँ से देंगे? बोले देश भर में देंगे, बिहार में 200 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। पहले बिहार में लाए तब ने देश की बात करेंगे। चलिए आइए, कुछ और लोग भी इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया आपका क्या मानना है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हमने पिछले बार देखा है उनको 17 महीने के लिए आए तो बहुत सारे युवाओं को नौकरी दी। वो तो कह रहे थे कि कहां से भक्त क्या करेगा, अंधभक्त का चश्मा है, बिक रहा है 50-60 रुपया, हम पहन के घूम रहे हैं। अब फिर क्या दिखता है उससे? उससे अंधभक्त दिखता है, सब पूरा विकास दिखता है, पूरा पटना का विकास दिखता है उनको, पूरे भारत का विकास दिखता है उनको, अंधभक्त का चश्मा पहने हुए। तेजस्वी यादव दे सकते हैं, आपको भरोसा है? बिल्कुल दे सकते हैं। 17 महीने के लिए सरकार में आए थे, उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत सारे युवाओं को टीचर में नौकरी दिया, आपका स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने वैकेंसी निकाला, लेकिन उनका सरकार चला गया, तो क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार हमने दिया, वो कुछ नहीं दिया। जी नहीं, वो उससे पहले भी तो थे ना, वो पिछले 15 साल से क्या तो रहा कि 8 लाख लोगों को दिया 2005 से 2020 तक। वो 10 साल में दिए कितना लाख आप बताए? कितना आठ लाख 1.5 लाख कर दिए, तो ज्यादा है कि वो ज्यादा है? आप बताइए भैया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे सरकार में आने के बाद, आपको भरोसा है कि देंगे? जी जरूर है, जरूर है। क्यों है? क्योंकि वो करके दिखाए हैं भैया। इधर क्या करके दिखाए हैं? 17 महीने में जो किए आप भी जानबे कर रहे हैं कि क्या किए हैं। आप बताइए ना, हम नहीं जानते हैं। अब क्या बताना भैया, खुले आम जनता देख रही है कि क्या किए नहीं किए। बोलिए। अरे जैसे कि 17 महीने में जो काम किए हैं, जो रहे सरकार में, जातीय जनगणना और बाकी चीज, इस बार भैया मोदी गयो। बस क्यों गयो? मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं खे। मोदी तो कह रहा है कि मोदी पर भरोसा नहीं खे। मोदी चिल्ला रहे। अरे चिल्लाने दीजिए भैया, कितनों अंधभक्त बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनों अंधभक्त बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और भी युवा है, इनसे भी हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आपको भरोसा है कि नौकरी देंगे? उतना भैया क्षमता ही नहीं दे सकते, उतना डेवलपमेंट है बिहार को, उतना GDP ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं, उतना नौकरी दे सकते हैं। कुछ नौजवानों को ही मिल जाए 10-20 लाख, वही ढेर। एक और कह तो रहा है ना कि 5 लाख दिया 1 करोड़ भी देंगे, कहने के लिए सब सरकार कहता है सर भाई। बताइए चाचा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कहने के लिए सब सरकार कहता है, कोई कुछ नहीं वादा पूरा कर पाता, सिर्फ जनता को भूर्वक बना के वोट ले जाया जाता है और कोई काम नहीं होता है। सब सरकार भूर्वक बनाता है जनता को, हम ये देंगे हम वो देंगे, चुनाव आता है बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाता कोई भी सरकार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस, जदयू, कोई भी अच्छा पार्टी नहीं, सब जनता को उर्वरक बना के वोट लेने का सिर्फ चक्कर है भैया, और कुछ नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट कुछ नहीं है। चाचा ये बताइए चाचा, तेजस्वी यादव घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, आपका क्या मानना है? अपना भरोसा पूरा करेंगे, वादा पूरा करेंगे? ये तो सब दिन भरोसा पूरा करने में ही लगे रहते हैं और भरोसा पूरा करेंगे तेजस्वी रूप से। जी जी, आपको तेजस्वी पर भरोसा है? पूरा मोदी जी कहते हैं कि मोदी का भरोसा है, आप लोग दीजिए चाय का। कभी भरोसा नहीं है, मोदी कभी कुछ किया है? ये तो 10 वर्ष से पूरे बिहार को ठगने का काम किया, पूरे देश को ठगने का काम किया है। क्या कैसे ठगे हैं बताइए, ये क्या किए हैं? मैं तो कुछ जानता ही नहीं, सिर्फ धर्म पर धर्म की बात करता है, अराजकता की बात करता है और कुछ नहीं। आप बताइए भैया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपका क्या मानना है? देंगे? एक को पैसा नहीं देंगे। एक पैसा से विश्वास? क्यों? जो खुद को पढ़ा लिखा है यार, किसको तो बात बोल रहा है यार, पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं देंगे रोजगार, बोल रहा है 5 लाख दिया है ना बिहार से। आपको भी पता है कि बिहार के क्या हाल चल रहा है, जनता का बताइए, इधर देख के क्या पूरा बिहार के पता है कि क्या हाल है, बताइए ना भैया। देख रहे हैं समस्या वैसे ही बढ़ रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ रही है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, कौन बेरोजगारी खत्म करेगा, इधर देख के बताइए। सरकार चेंज करेंगे, सरकार अगली सरकार करेगी, आगे जाएगी कांग्रेस की आएगी चाहे जो आए, लेकिन सरकार एक बार चेंज करना ही है। हर देश में देखते हैं एक 5 साल के सत्ता के बाद सरकार जिसमें चेंज होगी, खुद ब खुद काम ऑटोमेटिक कराने लगेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आएंगे सत्ता में अगर देश में तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या मानना है आपका? BJP को हमको बुलाना है बिहार में,
क्यों? बीजेपी चाहिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। क्या है भैया, इधर आइए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हम लोग हम रोजगार देते हैं, मोदी जी खाली छल करते हैं। नहीं ना, मोदी जी अच्छा काम करता है, मोदी जी राशन काम करता है, गरीब को राशन दिए, पक्का मकान दिए, नल जल दिए, लालू जी का दिए, बिहार लूट लिया। लालू जी इतने दिन से क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या करे इतने दिन से? तो देखा आपने कैसे बिहार के लोग, बिहार के युवा कह रहे हैं कि कुछ लोग का मानना था कि तेजस्वी यादव अपने वादे को पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने 17 महीने के सरकार में करके दिखाया है। तो वही कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि वो कुछ नहीं करेंगे, ये बस चुनावी जुमला है। बहरहाल आप लाइव सिटीज देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।